हैं, आपके आपको इतना गरीब और लाचार बना दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी आएगा चुनाव में वोट मांगने, 10 दिन में तो जितना लोग हाथ उठाए थे ये सारे लोग जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर माले के डर से भाजपा, भाजपा के डर से माले का नारा लगाकर इसी हाथ से जाकर उस नेता का बटन दबाओगे तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा। बिहार में आदमी को सुधरना नहीं है, सुधरना ही नहीं है, कहता है कि यहां विकल्प नहीं है। ए भैया विकल्प ना रहे, रहुआ आगल बनी एगो दल बनाई, आप दल बनाए हैं जन सुराज, आप आगे आगे चलिए, हम लोग पीछे से सब मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए, आप हमारा मदद क्या कीजिएगा। अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए, जाति और धर्म में बटकर अपने बच्चों का दर्द जिसको नहीं दिख रहा है वो प्रशांत किशोर के साथ दिखेगा। अरे हम 2 बरिस पैदल चले कि 20 बरिस पैदल चल दे, यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं, 5 बरिस बैठ के रोता है, हे भैया नाली गली नहीं है, हे भैया खाने को नहीं है, हे भैया रोजगार नहीं है, 400 रुपया नीतीश कुमार पेंशन दे रहा है भीख में, भैया कैसे हूं जान बचाइए, 5 बरिस आप रोते हैं। आप फिर वोट आया कि अपना और अपने बच्चों का दर्द भूल गए, आप फिर नेता के चक्कर में पड़कर उसी को जाकर वोट दबाते हैं। वोट के दिन बिहार के आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का आदमी खड़ा है, वो आदमी चोर है बदमाश है आपको लूट के ले गया है, लेकिन अपना जात का है तो उसी को जाकर बटन दबाइएगा, जात से बच जाइएगा तो भाजपा वाला आकर आपको हिंदू मुसलमान में बांटेगा, सब हिंदू एक हो जाओ, कहता है भाजपा वाला सब हिंदू एक हो जाओ, पाकिस्तान के अब की हाली सबक सिखावे के बाद बताई दुर्दशा। गौवा में चलता नहीं पूछिला काहे के वोट दिला भाजपा के, कहता है मोदी जी को वोट दिए हैं, मोदी जी का सीना 56 इंच का है, यहां पनवारी में बैठ के मोदी जी के सीना 54 इंच के बाकी 56 इंच के ही दिखता, आपन लड़का के खैला बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच भइल भाई नहीं के दिखा, तो जात से बचल तब मोदी जी में फंसल, आ दोनों से बच गई तो जितना आदमी लालू का राज देखा है जंगल राज, तो कहता है भैया दुगो रोटी कम खाई, लेकिन लालू का जंगल राज लौटना नहीं चाहिए। तो जिस विधायक को भाजपा को नीतीश को कल तक गाली दे रहे थे उसी को लालू आ एमएल के डर से फिर जाकर वोट दीजिएगा। आ 3 के बाद एगो बच गया लोग मुसलमान, ये लोग का बड़ा दुर्दशा है, मुसलमान भाजपा को बेचारा वोट दे नहीं सकता है, कहता है भाजपा तो सांप्रदायिक पार्टी है, तो बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया दू एगो दल बा, एगो लालू जी के ललटेन एगो मोदी जी के भाजपा, बेचारे नीतीश कुमार के तो पते नहीं थे कि कितना देर ललटेन पर लटकी है आ कब उछल के कमल के फूल पर बैठ के पौरे लगिया। तो जो मुसलमान है वो कहता है भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो ललटेने दिखता है करे में तेल बन के जरल जाए। आप ईमानदारी से पनवारी की जनता बताइए इसी 4 चीज पर ना वोट पड़ रहा है तो काहे के लिए लंबा लंबा ज्ञान दे रहे हैं, हे भैया विकास चाहिए, हे भैया स्कूल चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, बिहार के जनता को जात चाहिए, बतियाने के लिए जात, खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश
आपको 35 बरिस से जात का नशा आपके नस में घुसा दिया। आप मोदी जी अलन आप 5-5 किलो भात खिया के बोड़ा में भर के वोट यहाँ से ले जा रहा, यही बताने आए हैं, आपको यही समझाने आए हैं। मेरे भाई, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो कोई लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर आपका चिंता नहीं करेगा। लोग कह रहा है कि भैया नेता सब जात के राजनीति करता, सर पूरा समाज को जात में बांट दिया है। हम आपको कैमरे पर बता रहे हैं, सीख लीजिए, बिहार में कोई नेता जात का राजनीति नहीं करता है, बिहार में कोई नेता जात का राजनीति नहीं करता है। लोग कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं, हम आपको बता रहे हैं लालू जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात के राजनीति करता तो लालू जी कहते कि यादव समाज का कोई लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहां कहते हैं, लालू जी ये कहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और कुल यादव जी लोग तू लोग हमारा के वोट दो जाता। देखिए आपका विधायक अभी एक खड़ा हुआ है भाजपा का चोला पहन के, पाड़े जी माले से बचलन तो गैलन पाड़े जी में। लोग कहता कि 70,000 भूमिहार बाड़ा, हे भैया हमने के सब दिया जाए सुनील पाड़े के वोट। जरा पूछिए कि भाई 70,000 भूमिहार में एको भूमिहार काबिल नहीं खन, सुनील पाड़े के अपन लैके भेटेला हो। अगर आपका किसी भूमिहार समाज का कोई लड़का खड़ा हो जाएगा तो ये सुनील पांडे लालू यादव ये आपको वोट देने वाला नहीं है। आप देखिए मांझी को, इमामगंज में 70,000 मांझी समाज के लोग रहते हैं, किसको टिकट दिया है, अपने एमएलए बन गया, एमएलए से मंत्री बन गया, बेटा वहां से मंत्री बन गया, अब खाली हुआ तो अपने पतोह को लड़ा रहा, उसको कोई मांझी समाज का आदमी नहीं मिला। ये लालू नीतीश सुनील पांडे का बात नहीं है, जितना बिहार में नेता है वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे आप कुशवाहा हैं, आप पंडित हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, यादव हैं, दलित हैं, जिस जाति के भी आप नेता हैं, नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा है, नेता अपना राजनीति कर रहा है, अपने बेटे का राजनीति कर रहा है। जात में आप और हम अधुराए हैं, इसीलिए इसी गरीब बिहार में नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पे चल रहा है और आपका बच्चा जमीन पर घूम रहा है, उसके पैर में चप्पल भी नसीब नहीं है। यही बात बताने आए हैं, ठीक लगे तो जगिए, एक बार जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अब आपका जीवन नहीं सुधरने वाला, अब आपका जीवन नहीं सुधरेगा। हमारा है उम्र 47 साल, आधा से ज्यादा जीवन तो हमारा बीत गया। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आने वाली पीढ़ी आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। और न सुधरोगे रे भाई, जाति धर्म 500 रुपया मुर्गा भात पर वोट देते रहोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा, कोई नहीं सुधार सकता है। यही बात बताने आए हैं, ठीक लगे तो जन सुराज को अपनाइए। जन सुराज अच्छा नहीं लगता है, किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा का बटन दबाइए, लेकिन जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का हक लूटा है, जिसने आपका जीवन बर्बाद कर दिया, आपको अनपढ़ मजदूर बना दिया, कम से कम उन नेताओं को वोट मत दीजिए। अगर दीजिएगा तो अपने बच्चों का गुनाहगार आप स्वयं से होइएगा, यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, न ठीक लगे तो उससे भी अच्छा। अभी दिवाली आवत था, दिवाली में लक्ष्मी जी के पूजा कल जाला, धन खाती,
कि लक्ष्मी जी के पूजा कर जाई तो पैसा होई, लेकिन लक्ष्मी जी के पूजा से पहले बतावल गई बा कि पहले घर में सफाई होके के चाहिए। घर की सफाई करते हैं ना आप दिवाली में, काहे करते हैं कि जब तक घर में सफाई नहीं होगा कितना भी पूजा कीजिएगा लक्ष्मी का निवास नहीं होगा। इसीलिए जन सुराज का जनता का व्यवस्था बनेगा 2025 में, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा, लेकिन 25 में लक्ष्मी आए उसके लिए जरूरी है कि 24 में अभी 15 दिन के बाद जब वोट पड़ेगा तो झाड़ू लेकर इन नेताओं को मारकर बाहर कीजिए। कि कूड़ा करकट जितना नेता है इसको बाहर कीजिए, तभी जान बचेगा। अन्ना जाति धर्म मुर्गा भाग में पड़ के फिर इसको वोट दिए तो फिर कभी जीवन में कल्याण होने वाला नहीं है। तो सब बात बता दिए, अब आप बताइए जिन नेताओं ने आपका हक लूटा है, आपके बच्चों को मजदूर बनाया है, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हथवा उठा कर बतावे के बाद जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? कहनी हर क्या बिना सुधरियन, हाथ उठा के बोलिए जोर से, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना, नहीं ना गलती होगा तो वोट केकरा के दिया है? हमारा के देवे से ना हो, हम वोट मंगनी है, वोट हमारा के नहीं देवे के। एक बार संकल्प लेना है कि इस बार नेताओं के बच्चों के लिए नहीं अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। अपना अपना बच्चा खाती वोट देवे के बाद कि नहीं देवे के? अपना बच्चन के पढ़ाई रोजगार खाती वोट देवे के बाद ना? तो एक बार जरा जोर से बोलिए, हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम बार नेता सब इतना चूस ले ले बाला सन कि आदमी के शरीर में जान नहीं खे बचत। पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। आप पीछे के आदमी सब महाराष्ट्र में रह जा भैया, भर सक बिहारी कह के गाली देता हूं आदमी हमनी के। एक बार पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का भी नारा काहे तीन बार बोलवाए, बिहार के आदमी का स्वभाव दिखाए। इसको बोलना है जय बिहार, मन है अच्छा लग रहा है, लेकिन जब दो बार अलकोर अब तब बोली है, अन्ना तो कुर्सी पर बैठल बाल दाल भात चोखा खा के कोई देखल जाई हमारा का फिकर बा। अरे भाई कैसे सुधरी? सुधरेगा तब जब आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा, न तो नेता सब लूट लूट के राजा हो जाएगा और आपके बच्चे मजदूरी करते करते उनका जीवन खत्म होगा। इसलिए संकल्प लीजिए, जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, 500 रुपया पर नहीं, मुर्गा भात पर नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।